सवाल एक और बड़ा खड़ा होता है, और सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर जेल से सरकार चलेगी कैसे। आम आदमी पार्टी कह रही है, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि साहब जेल से सरकार चलाएंगे, तो कुछ ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। फिलहाल 15 अप्रैल तक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में ही रहेंगे, लेकिन यहां से सरकार कैसे चलेगी, क्या अड़चने आएंगी, जेल मैनुअल क्या कहता है, ग्राफिक्स के जरिए इनको समझिए। क्या है जेल मैनुअल? हफ्ते में 2 बार परिवार से मिल सकते हैं। अड़चन क्या है? सिर्फ परिवार से मिलेंगे तो फिर मंत्रियों से कैसे मुलाकात होगी, सरकार कैसे चलेगी। जेल मैनुअल कहता है कि फोन पर बात के लिए 10 नाम देने होंगे। अड़चन यह है कि मुख्यमंत्री को तो सैकड़ों लोगों से बात करनी पड़ती है, सरकार चलानी है कोई मामूली चीज तो है नहीं। कैदी को मिलने की तारीख बतानी होगी, ये जेल मैनुअल कहता है। अब अड़चन यह है कि सरकार चलाने के लिए अक्सर बैठकें होती रहती हैं, तो फिर किस तरह से बैठकें ली जाएंगी। जेल अधिकारी देता है मिलने की इजाजत। अड़चन यह है कि कैबिनेट बैठक के लिए बार बार इजाजत मिलना मुश्किल है, और जाहिर सी बात है कि इस समय केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार आमने सामने है। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, और राज्य में वैसे तो पूर्ण राज्य नहीं है लेकिन दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है। सुबह 9:30 से 12:30 बजे तक ही मिलने की इजाजत होती है। ऐसे में मंत्री अधिकारी और विधायक बार बार कैसे मिलने पहुंचेंगे। तो सरकार चलाना कहना तो बहुत आसान है, लेकिन क्या सरकार चल पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। कैदी कोई फाइल साइन नहीं कर सकता, मुख्यमंत्री सरकारी फाइलों पर साइन कैसे करेंगे। तो जेल से सरकार चलाने पर तिहाड़ जेल के पूर्व पीआरओ सुनील कुमार गुप्ता क्या कह रहे हैं, वो आपको सुनना चाहिए। बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा, क्योंकि अगर सीएम है, सीएम के साथ उनका पर्सनल स्टाफ को बिठाना पड़ेगा, है ना, और स्टाफ को भी करना पड़ेगा। तो वो तो ऐसी कोई जो हमारी जो इस टाइम पे जो जेलें हैं 16 जेलें हैं, उसमें ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे कि वो सीएमशिप जो है जेल से चला सकें। उसमें टोटली आपको रूल्स को तोड़ना पड़ेगा, मैंने रूल्स आपको पहले बता ही दिए, टोटल रूल्स को तोड़ना पड़ेगा। तो वो मुझे लगता नहीं कि कोई उसको रूल्स को तोड़ने को कोई अलाउ करेगा आपको। तो देखिए, जो तिहाड़ जेल के पीआरओ है वो भी यही जानकारी दे रहे हैं कि नियमों को तोड़ना पड़ेगा। अब ये कैसे मुमकिन होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही है कि साहब एलजी जो है वो राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी को इनस्टेबल करना चाहती है केंद्र सरकार, आम आदमी पार्टी को हटाना चाहती है। अरविंद सिंह का मैं रुख करना चाहूंगी, राउज एवेन्यू कोर्ट से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। राजू राज तिहाड़ जेल के बाहर है, जहां पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंच चुके हैं। अरविंद, मेरा सवाल आपसे यह है कि जमानत की अर्जी अरविंद केजरीवाल के द्वारा नहीं लगाई गई है, आज 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, ये फैसला हमें पता है, लेकिन क्या रणनीति है? अगर आपकी बात किसी से हो रही हो, क्या जानकारी आपको मिल पा रही है, जमानत की अर्जी क्यों नहीं अरविंद केजरीवाल के द्वारा लगाई जा रही है? देखिए, अभी तक तो शोभना जी वो ईडी की हिरासत में थे, और जब ईडी की रिमांड अर्जी लंबित हो तो तब अमूमन कोर्ट जमानत अर्जी पर सुनवाई करता नहीं, और यही वजह है कि अब अरविंद केजरीवाल जब जुडिशल कस्टडी में जा रहे हैं तो उनके पास अब ये विकल्प है कि वो जमानत की अर्जी लगा सकते हैं। लेकिन जो जेल जा रहे हैं वो जमानत की अर्जी लगा सकते हैं, एक दूसरी मुश्किल का रास्ता भी यहाँ से खुलता है। वो रास्ता ये कि अगर अब चाहे सीबीआई तो कोर्ट की इजाज़त के बाद जेल में जाकर उनसे पूछताछ कर सकती है, और फिर सीबीआई अपने केस में गिरफ्तारी डालने के बाद अदालत में उनकी रिमांड की मांग कर सकती है। और अगर ऐसा होता है तो फिर ये दोहरी मुश्किल हो जाएगी अरविंद केजरीवाल के लिए, क्योंकि फिर उन्हें दोनों ही केस में सीबीआई और ईडी की ओर से दर्ज दोनों ही केस में जमानत की अर्जी दाखिल करनी होगी, और जब तक दोनों ही केस में जमानत नहीं मिल पाएगी तब तक वो जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। सीबीआई इस मामले में जो प्रेडिकेट ऑफेंस है, जो करप्शन का जो एलिगेशन है, उसकी जांच कर रही है। अगस्त 2022 में सीबीआई ने पहली एफआईआर दर्ज की थी, ईडी ने सितंबर 2022 में एफआईआर दर्ज की पहली, और ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल की जांच कर रही है। आपको याद होगा कि मनीष सिसोदिया के साथ यही हुआ था, उन्हें सीबीआई ने गिरफ्तार किया था पिछले साल 26 फरवरी को, 6 मार्च तक वो सीबीआई की हिरासत में रहे, जुडिशियल कस्टडी में भेज दिए गए मनीष सिसोदिया। 9 मार्च को सीबीआई जाकर के, माफ करना, ईडी कोर्ट की इजाजत के बाद जाकर के मनीष सिसोदिया से पूछताछ करती है। 10 मार्च को ईडी फिर कोर्ट में पहुंच जाती है और मनीष सिसोदिया की रिमांड की मांग करती है, और फिर मनीष सिसोदिया 12 दिन तक ईडी की कस्टडी में रहते हैं। दोनों ही मामलों में मनीष सिसोदिया को 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया लेकिन जमानत नहीं मिली है। तो ऐसे में जहां अरविंद केजरीवाल के लिए जमानत का रास्ता खुलता है कि वो जमानत अर्जी अब दाखिल कर सकते हैं, वहीं दूसरी मुश्किल ये भी है कि अगर सीबीआई इस वक्त पिक्चर में आती है और वो भी हिरासत की मांग करती है कि उनको इस केस में गिरफ्तारी डालने के बाद में, तो फिर उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, दोहरी मुश्किल का सबब बन जाएगा उनके लिए। ठीक है अरविंद, आप बने रहिए। राजू राज में आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, हम ग्राफिक्स के जरिए बता भी रहे हैं कि 4 बड़े नेता, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, चारों आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरे, बड़े नेता इस समय तिहाड़ जेल में है। सब किस किस जेल नंबर में है ये भी हम आपको बता रहे हैं, लेकिन सरकार चलाने को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या जानकारी आपको मिल पा रही है, क्योंकि जेल मैनुअल में तो ऐसा कोई प्रोविजन दिख नहीं रहा है जो पीआरओ हमें बता रहे हैं।
देखिए जेल मैनुअल में कई ऐसा प्रोविजन नहीं है, अगर कोई शख्स मिलता है तो उसके लिए उनको लिस्ट देनी पड़ती है 10 लोगों के नाम की, परिवार के लोग वीक में 2 बार ही मिल सकते हैं, तो ऐसे में स्थिति होती है कि इस परिस्थिति में सरकार कैसे चल पाएगी। इसका दूसरा विकल्प है कि अगर आपको कैबिनेट की बैठक या मीटिंग करनी है तो आपको कोर्ट में अर्जी लगानी पड़ेगी और कोर्ट के आदेश के बाद ही आप जेल के अंदर मीटिंग कर सकते हैं। लेकिन सवाल है कि क्या एक मीटिंग से सरकार चल सकती है, क्या एक बैठक, क्योंकि जब सरकार चलती है तो कभी भी जरूरत पड़ती है, चाहे आपात स्थिति हो या कोई डिसीजन लेना हो किसी भी मसले को लेकर, किसी भी प्लानिंग को लेकर। ऐसे में बार बार नेता कैसे जेल पहुंच सकते हैं अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए, तो ऐसे में अब देखना होगा कि आम आदमी पार्टी की अगली रणनीति क्या होगी। और चूंकि दूसरी तरफ ये भी संकेत एलजी की तरफ से दिया गया है कि जेल से सरकार नहीं चल पाएगी, तो अभी कहीं भी लूपहोल्स हैं, देखना होगा क्या स्थिति है। लेकिन यहाँ आम आदमी पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर आपको नजर आएंगे सड़क के दोनों साइड, इसीलिए जो ये रोड है हरिनगर का रोड है जहाँ पर तिहाड़ जेल है वहाँ पर जाम की स्थिति भी है, भारी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान भी यहाँ पर लगाया गया है भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं अपने हाथों में पोस्टर बैनर लेकर पहुंचे हैं, कहीं वो सड़कों पर ना बैठ जाएं, इसलिए दिल्ली पुलिस अपने तरफ से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आम आदमी पार्टी के दूसरे जो बड़े नेता अभी सोमनाथ भारती से हम बात कर रहे थे वो यहाँ पर पहुंचे थे। इसके अलावा जो हरिनगर के तमाम जो पदाधिकारी हैं आम आदमी पार्टी से जुड़े वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन अब संशय और सवाल इस बात का है कि क्या जेल के अंदर से सरकार कैसे चलेगी, क्या अरविंद केजरीवाल दूसरा विकल्प की ओर तलाशेंगे।